उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में 3 फरवरी से लापता एडवोकेट अकरम अंसारी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस लगातार उन्हें तलाश करने का प्रयास कर रही है। आज लापता एडवोकेट के घर समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दलीप यादव पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम दुख की घड़ी में अकरम अंसारी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पुलिस ने कई टीमें गठित कर अकरम अंसारी तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि अकरम अंसारी अपने परिवार के पास सकुशल पहुंचे, ऐसे कामना समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी भी लगातार पुलिस से संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जल्द अकरम अंसारी अपने परिवार में सकुशल वापस आ जाए। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जी अमित साहब, यहाँ पर आप आए, किस तरह की घटना है, क्या मामला? मोहम्मद अकरम अंसारी जी है, ये यहाँ काम करते थे तहसील में स्टाम्प का। इनके साथ जो घटना हुई है, इनके परिवार से हम लोग मिलने आए हैं। आगरा सिकंदराबाद जैसे मालूम पड़ा 3 तारीख से आज तक गायब है। वहाँ का प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, इनके परिवार के सब लोग लगे हुए हैं। हम भी बराबर प्रशासन से संपर्क में हैं। सबसे पहले मालूम पड़ा थाना अदमतौला में कुछ लोकेशन मोबाइल के आधार पर मालूम पड़ रही है, तो वहाँ भी प्रयास किया गया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसी दुख की घड़ी में हम और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अकरम जी के परिवार के साथ है, और दुख की घड़ी में हम सब लोग पूरा साथ दे रहे हैं। इनके परिवार, रिश्तेदार सब लोग लगे हैं ढूंढने में, प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने भी सारे टेलीफोन्स, मोबाइल्स, सर्वेलेंस पर सब लगवा दिए हैं। कुछ सूचना का तंत्र, जैसे कल मालूम पड़ा कुछ किडनैप जैसी बात सुनाई में आई है, कुछ फिरौती मांगी गई है, तो ये प्रशासन के लिए और शासन के लिए बड़ी चुनौती है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से बदमाश खुलेआम किसी को किडनैप की बात कहकर और डिमांड करें फिरौती की, ये भी एक शर्मनाक घड़ी है और चुनौतीपूर्ण घड़ी है शासन के लिए। हम ऊपर वाले से दुआएं करेंगे, सबको सलाह, करम जी किसी तरह से लौटे आएँ, और हम लोग, हमारे लोग, पार्टी के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, सब लोग लगे हैं। और शासन को ये बहुत मुस्तैदी से काम करना चाहिए। ये अकेली अकरम के साथ घटना नहीं है। अकरम के साथ कोई घटना होती है तो ये मान के चलो और भी घटनाएं चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बदमाशों को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इस पर अंकुश लगाना शासन की पूरी जिम्मेदारी है, और हम लोग तहे दिल से इस परिवार के साथ हैं और दुआएं पुनः करते हैं पूरी तरह से सकुशल पूरी आ जाएँ, जिससे उनके बच्चे, परिवार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम जो कर रहा है, उसका परिणाम क्या निकलता है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।